हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एम एस आई जॉब में और मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुका हूं एक नए कैंपस रिक्वायरमेंट के साथ और ये रिक्वायरमेंट जो है वो श्रीराम पिस्टन की तरफ से जारी किया गया है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया क्या और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है तो दोस्तों अभी मैं बता दूँ कि जिन साथियों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को ऑल पर रखें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर आई आई और डिप्लोमा से रिलेटेड कैंपस के बारे में जानकारी देता रहता हूँ तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या एज लिमिट और क्या कैटेगर रहने वाला है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा राज्य में जो है इस कैंपस का जो है आयोजन किया जा रहा है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कैंपस रिक्वायरमेंट के बारे में तो आप लोग देख सकते हैं हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सूचित किया जाता है कि दिनांक सत्ताईस दस दो हज़ार इक्कीस को राजकीय आईटीआई करनाल में एक कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है जिसमें श्रीराम पिस्टन एंडरिंग लिमिटेड पथरेणी के प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित व्यवसायों के छात्रों का रोजगार हेतु चयन किया जाएगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो कंपनी है वो श्रीराम पिस्टन एंडरिंग है जो अपने निम्नलिखित प्रतिनिधियों के द्वारा जो है कैंपस का यहाँ पर आयोजन कर रही है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करनाल में तो आप लोग देख सकते हैं जो पद रहने वाले हैं वो इस प्रकार से इसमें जो है रहने वाला है तो आप लोग देख सकते हैं ट्रेनिंग में जो है पचास पद संख्या रहने वाला है जिसमें पचास कैंडिडेट के लिए भर्ती है ये और ये ओनली आई टी पास आउट कैंडिडेट के लिए है तो आप लोग देख सकते हैं आई टी पास आउट ट्रेड जो रहने वाला है फीटर टर्नर मशीनिस्ट एम बी ऑटोमोबाइल एंड फाउंड्री मैन इसमें इतने क्वालिफिकेशन जो है आई टी ट्रेड से रहने वाले हैं और वेतन की अगर बात करें तो इन हैंड आपको दस हज़ार तीन सौ अट्ठाईस रुपये दिया जाएगा और ग्रोथ सैलरी आपका बारह हज़ार नौ सौ पैंतीस रुपये रहेगा और सी टी आपकी सैलरी पंद्रह हज़ार नौ सौ पाँच रुपये रहने वाला है और आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका एज लिमिट रहेगा वो अट्ठारह से तीस ईयर्स रहेगा इसमें और जो नान आई टी कैंडिडेट के लिए भर्ती है अगर जो लोग आई, आई नहीं किए हैं तो वो लोग के लिए जो भर्ती रहने वाला है वो पचास पोस्ट पर रहने वाला है और इसमें भी इन हैंड सैलरी आपको दस हज़ार दिया जाएगा जिसमें आपका ग्रोथ सैलरी बारह हज़ार छः सौ पैंतीस रुपये और सी टी सी पंद्रह हज़ार पाँच सौ अड़तीस रुपये रहने वाला है और इसमें भी आपका एज लिमिट जो रहेगा अठारह से तीस ईयस रहेगा तो दोस्तों आई टी आई आउट कैंडिडेट और जो आई टी आई नहीं किए हैं कैंडिडेट वो लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं वन एट टेन प्लस टू रहना चाहिए तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अतः आप आपसे अनुरोध है कि आप अपने संस्थान से संबंधित व्यवसायों के पास सुधार छात्रों को अपने प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो आधार कार्ड और बायोडाटा लेकर दिनांक दस दो सूचना एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेरित है तो आप लोग देख सकते हैं जो सूचना जारी किया गया है यह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करनाल के माध्यम से जो है जारी किया जा गया है जो हरियाणा में पड़ता है तो दोस्तों जो भी छात्र इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं कैंडिडेट वो भाग ले सकते हैं और ये बहुत बढ़िया आपको सैलरी प्रोवाइड कर रही है और इसमें ट्रेनिंग के दौरान आपको सीखने का भी चांस मिलेगा तो दोस्तों आप लोग जाकर इसमें भाग लीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट कैंपस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए कैंपस रिक्वायरमेंट के साथ तब तक के लिए जय हिंद साथियों